नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आपको यहाँ पर बिहार समग्र किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका केबीसी नैनो पब्लिकेशन का किताब ही है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका जो आपका नया बॉक्स आज हम पढ़ेंगे, गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ। तो गंगा में जो भी आपकी नदी जो मिलती है बिहार में, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पढ़ेंगे। आपका आज का जो बॉक्स यही होगा, ठीक है। तो नदियाँ दिया गया, संगम स्थल है। तो नदियाँ जो है यह इधर आपका संगम स्थल है। तो सरयू नदी छपरा के निकट, तो आपका जो है गंगा में मिलती है सरयू नदी कहाँ, छपरा के निकट। गंडक नदी मिलती है आपका पहलेजा के निकट, ठीक है। सोन नदी मिलती है आपका दिगवारा के निकट। कर्मनाशा नदी मिलती है आपके चौसा के निकट, ठीक है। और फल्गु नदी मिलती है आपकी उरैन मुंगेर के निकट। कमला नदी मिलती है गाढ़ गोला के निकट। कोसी नदी मिलती है गाढ़ कोला के निकट। और बूढ़ी गंडक मिलती है मुंगेर के निकट। तो ये आपका जो नदियां है गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। तो आपका सरयू नदी छपरा के निकट मिलती है। तो देखिए आपका सरयू नदी जो है छपरा सारण छपरा के निकट यहाँ पर गंगा में मिल जाती है, ठीक है। सरयू नदी इस एरिया में मिलती है। गंडक नदी आपका पहलेजा के निकट, तो गंडक नदी आपका पहलेजा के निकट। सोन नदी दिगवारा के निकट। कर्मनाशा नदी चौसा के निकट, तो कर्मनाशा नदी चौसा के निकट। बक्सर जो आपका चौसा है यहाँ पर आपका आके जो है मिलती है गंगा में, ठीक है। आपका कर्मनाशा नदी, फल्गु नदी उरैन मुंगेर के निकट। तो आपका फल्गु नदी जो है उरैन मुंगेर के निकट आपका गंगा में मिल जाती है यहाँ पर इस एरिया में। नेक्स्ट आपका है कमला नदी, तो गाढ़ गोला के निकट। और कोसी नदी गाढ़ गोला के निकट, तो कमला और कोसी नदी जो है गाढ़ा गोला, तो गाढ़ा गोला के निकट मिलती है गंगा में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बूढ़ी गंडक, तो बूढ़ी गंडक आपका मुंगेर के निकट मिलती है। तो बूढ़ी गंडक आपका मुंगेर के निकट गंगा में आके मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपकी नदियां जो थी जो है गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदी है, सरयू गंडक सोन कर्मनाशा फल्गु कमला कोसी और बूढ़ी गंडक, ठीक है। बिहार में बहने वाली नदियां, तो आपका बिहार में जो भी है बहने वाली नदी, नेक्स्ट बॉक्स पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। तो बिहार में बहने वाली नदियां कौन कौन सी है देखते हैं। देखिए आपका यहाँ पर दिया हुआ है अंग्रेजी में लिखने दिया हुआ, कोई बात नहीं। देखिए आपका इधर नेपाल है, इधर आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और इधर आपका जो है नीचे आपका झारखंड है। तो ये आपका देखिए बूढ़ी गंडक नदी, तो ये आपका बूढ़ी गंडक नदी यहाँ से बह रही है, यहाँ से निकलते हुए बूढ़ी गंडक नदी, ठीक है। ये आपका है बूढ़ी गंडक नदी। इसके बाद आपका ये नदी जो है बागमती नदी है, ठीक है। बागमती ये आपका नदी बागमती है। उसके बाद आपका आपका करछा, तो गरछा नदी आपकी यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद आपका कोसी नदी, ये आपका कोसी नदी यहाँ पर है, ठीक है। ये आपका कोसी नदी जैसा निकल रहा है। ये आपका गंडक नदी है, तो पूरे गंडक नीचे गंडक नदी, उसके नीचे आपका जो है यहाँ पर जो है घाघरा नदी, ठीक है। ये आपका घाघरा नदी है। और ये आपका यहाँ से जो बीच है इधर से आपका गंगा नदी, ये पूरा आपका गंगा नदी का एरिया है, ठीक है। ये आपका बधुआ नदी यहाँ पर है, बधुआ नदी। ये आपका धेधार नदी है, ठीक है। ये आपका धेधार नदी है। ये आपका फल्गु नदी है यहाँ पर, ये आपका फल्गु नदी है। और ये आपका सोन नदी है, ठीक है। ये आपका सोन नदी है, ठीक है। तो ये आपका टोटल नदी था जो कि, और ये आपका इधर महानंदा नदी है, ठीक है। तो ये आपका महानंदा नदी इधर आपका है बिहार में। तो बिहार में बहने वाली नदियां हैं, तो बूढ़ी गंडक गंडक घाघरा बागमती खरचा कोसी महानंदा, ठीक है। ये आपका बीच में गंगा हो गया पूरा, बदुआ हो गया नीचे में, आपका नीचे बदुआ है, धाधर है, और आपका फल्गु है, ठीक है। आपका सोन नदी है। तो ये आपका इनपुट जो है इंपॉर्टेंट नदियां हैं बिहार की, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए आपको यहाँ पर दिया गया प्रमुख नदियां एवं उनके उद्गम स्थल। तो प्रमुख नदियां एवं उनके उद्गम स्थल कहाँ बिहार में, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है आपका गंगोत्री उत्तराखंड से निकलता है। तो आपका गंगा नदी जो है उसका उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड में है। और आपका जो है आपका संगम मुहाना आपका बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है, ठीक है। तो आपका जो है गंगा नदी का संगम मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। आपका उत्तराखंड से निकलते हुए यूपी होते हुए बिहार होते हुए बंगाल होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सरयू नदी, तो सरयू नदी आपका जो उसका इसका उद्गम स्थल है। तो सरयू नदी का उद्गम स्थल मिलाम मिलाम या सिलाम मिलाम नेपाल से है, और गंगा छपरा में आके मिल जाती है, ठीक है। तो सरयू नदी आपका गंगा छपरा में आके मिल जाती है, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पर छपरा में नदी है मिल जाती है यहाँ पर छपरा, यहाँ पर सरयू नदी, ठीक है। ओ सॉरी, नेक्स्ट आपका है
नेक्स्ट आपका है गंडक नदी, तो गंडक नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका मानक मोट और कुतांग नेपाल और तिब्बत से निकलता है। तो गंडक नदी आपका मानक मोट और कुतांग नेपाल और तिब्बत से निकलता है, ठीक है। ये आपका गंगा में मिल जाती है हाजीपुर में, ठीक है। तो आपका नेपाल से गंडक नदी जो है आपका नेपाल से तिब्बत से निकलते हुए आपका जो है यहाँ पर आके हाजीपुर में आके वैशाली में यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है, गंगा में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट आपका है बूढ़ी गंडक नदी। तो बूढ़ी गंडक नदी आपका सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और मुंगेर गंगा में, मुंगेर जगह जो आपका जिला गया आपका बिहार में वहां पर गंगा में मिल जाती है। तो आपका बूढ़ी गंडक जो है, तो आपका देखिए यहाँ पर आपका जो है बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी यहाँ पर है पश्चिम चंपारण में, यहाँ से निकलते हुए इधर से निकलते हुए, ठीक है, और आपका इधर से निकलते हुए जो है मुंगेर के पास यहाँ पर गंगा में मिल जाती है, ठीक है। ये आपका बूढ़ी गंडक का रास्ता है, ठीक है, ये आपका रास्ता जो है बूढ़ी गंडक का है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बागमती रिवर। तो बागमती रिवर आपका महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और कोसी नदी में जाकर मिल जाती है। तो बागमती रिवर जो है आपका जो है बागमती रिवर, देखिए, तो आपका बागमती रिवर यहां से निकलती है आपका महाभारत श्रेणी नेपाल से और आपका जो है यहाँ पर जो है मिल जाती है आपके कहाँ पर, तो कोसी में आपके मिल जाती है, ठीक है। तो आपका कोसी नदी में आपका जो है बागमती रिवर मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपका कोसी नदी है, तो यहीं पर आपका इधर जो है मिल जाती है आपके बागमती रिवर, ठीक है, यहाँ पर। नेक्स्ट आपका है कमला नदी। तो आपका जो कमला नदी है वो आपका कमला नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है नेपाल से और गंगा गढ़ा गोला में मिल जाती है, ठीक है। तो महाभारत श्रेणी से कमला नदी निकलती है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर नहीं दिखाया कहाँ पर कमला नदी, तो इसी पर यहाँ पर एरिया में आपका कमला नदी निकलती है और गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट आपका है कोसी नदी, सप्त कोसी नेपाल से निकलती है और गंगा से मिल जाती है कुर्सिला जगह में, ठीक है। तो सब कोसी नेपाल से निकलकर गंगा में मिल जाती है कुर्सिला जगह पर। महानंदा नदी आपका महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और गंगा कटिहार में आपका कटिहार जगह है वहां से मिल जाती है, ठीक है। तो आपका जो है महाभारत श्रेणी से निकलती है आपका, ठीक है, महानंदा नदी और आपका जो है कटिहार में एरिया में यहाँ पर आपका कटिहार जो है यहाँ पे एरिया में मिल जाती है, ठीक है, ये एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कर्मनाशा नदी। तो कर्मनाशा नदी आपका विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और चौसा के पास गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो कर्मनाशा नदी आपका जो है विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और जो है इधर सबको निकलती है कर्मनाशा नदी, ठीक है, और चौसा के पास जैसे आपका, ठीक है, बक्सर चौसा के पास आपका मिल जाती है गंगा में यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चौसा है बक्सर, यहाँ पर मिल जाती है और यहाँ से इधर से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सोन नदी। तो सोन नदी आपका अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और आपका जो है मिल जाती है, ठीक है। देखिए आपका सोन नदी है, ठीक है, और यहाँ पर आके जाके पटना में जाके मिल जाती है, ठीक है, सोन नदी। ये आपका कर्मनाशा, ये आपका नदी था, ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट आपका है उत्तरी कोयल नदी। तो उत्तरी कोयल नदी आपका रांची के पठार झारखंड से निकलती है और सोन नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। ठीक है, इधर से आपका निकलता है सोन नदी आपका जो है उत्तरी कोयल नदी आपका इधर से निकलती है, ठीक है, और आगे जाके सोन नदी में मिल जाती है, ठीक है। इधर से निकलती है उत्तरी कोयल नदी और सोन में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट आपका है दक्षिणी कोयल नदी। तो दक्षिणी कोयल नदी आपको छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। तो आपका दक्षिणी पठार इधर है जिस एरिया झारखंड से आपको मिल जाती है जाके गंगा में, ठीक है, दक्षिणी कोयल नदी। नेक्स्ट आपका है अजय नदी। तो बड़पाई जमुई जिले से निकलती है और गंगा पश्चिम बंगाल में मिल जाती है आपका अजय नदी, ठीक है। तो देखिए इधर से आपका
आपका जमुई एरिया आपका इधर है, तो यहाँ से निकलती है, ठीक है, आपका इधर इस एरिया में, जमुई से, ठीक है, अजय नदी, और यहाँ पर जो है गंगा बंगाल में मिल जाती है। नेक्स्ट आपका है पुनपुन नदी, तो पुनपुन नदी आपका चोरहा पहाड़ी पलामू झारखंड से निकलती है और गंगा फतुआ में मिल जाती है, पुनपुन नदी, ठीक है। देखिए आपका ये पुनपुन नदी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका पुनपुन एरिया का, पुनपुन एरिया का रास्ता है और जाके जाके गंगा में मिल जाती है, ठीक है, यहाँ पर। नेक्स्ट आपका है फल्गु नदी, तो उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और गंगा में मिल जाती है, ठीक है, तो ये आपका फल्गु नदी है, ठीक है, यहाँ पर ये एरिया जो है फल्गु नदी का उत्तरी पट, ठीक है, जैसे निकलते हुए आपका गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट आपका है आपका है क्यूल नदी है, तो क्यूल नदी आपका जो है खरगाडीहा जो आपका झारखंड से निकलती है, ठीक है, तो आपका क्यूल नदी यहाँ पर से, तो क्यूल नदी का एरिया आपका यही है, इधर से निकलता है, ठीक है, इस एरिया में आके जाके गंगा में नहीं मिलती है, कहीं और जाके मिल जाती है, फल्गु नदी या कहीं और पर। तो हमने देखा प्रमुख नदियां एवं उनको उद्गम स्थल, तो आपका गंगा नदी जो है आपका उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड है, ठीक है, और संगम मुहाना बंगाल की खाड़ी है, और सरयू नदी का उद्गम स्थल मिलाम आपका नेपाल में, और संगम मुहाना आपका गंगा छपरा है, गंडक नदी का आपका उद्गम स्थल जो है मानक मोट है और कुंतांग है नेपाल और तिब्बत में, और इसका संगम मुहाना गंगा हाजीपुर में, ठीक है, हाजीपुर गंगा, और नेक्स्ट आपका बूढ़ी गंडक का सोमेश्वर की पहाड़ियां से उद्गम स्थल है, और मुंगेर में मुंगेर जगह पर गंगा में मिल जाती है, बागमती नदी का महाभारत श्रेणी नेपाल से और कोसी में जाके मिल जाती है, कमला नदी का महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और गला गोला जगह गंगा में मिल जाती है, कोसी नदी का सप्त कोसी नेपाल से निकलती है और कुर्सिला जगह गंगा में मिल जाती है, महानंदा नदी का महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और कटिया के पास गंगा में मिल जाती है, कर्मनाशा नदी का विंध्याचल की पहाड़ से निकलती है और चौसा के पास गंगा नदी में मिल जाती है, सोन नदी का जो है मकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और पटना में गंगा नदी से मिल जाती है, उत्तरी कोयल आपका रांची के पठार झारखंड से निकलती है और सोन नदी में मिल जाती है, दक्षिणी कोयल आपका जो है छोटा नागपुर के पठार झारखंड से निकलती है और गंगा में मिल जाती है, अजय नदी आपका बाड़पाल जमुई से निकलती है और पश्चिम बंगाल में गंगा से मिल जाती है, पुनपुन नदी चौराहा पहाड़ी पलामू झारखंड से निकलती है और फतुआ के पास गंगा में मिल जाती है, फल्गु नदी उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और गंगा में मिल जाती है, क्यूल नदी खरगाडीहा गिरिडीह झारखंड से निकलती है, ठीक है, और कहीं ऐसे छोटा मोटा पार्ट होके कहीं अलग अलग नदियों में मिल जाती है, ठीक है। तो आपका है गंगा नदी का जो आपका बिहार में नदी की जो लंबाई है आपका 4445 है, ठीक है, तो गंगा नदी का जो बिहार में जो है लंबाई है वो आपका 445 किलोमीटर है, और बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र वर्ग किलोमीटर कितना है, तो 15,165 वर्ग किलोमीटर है, तो गंगा नदी का बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में आपका 15,165 वर्ग किलोमीटर है, सरयू नदी का आपका बिहार में जो लंबाई है वो आपका 83 किलोमीटर है, ठीक है, तो सरयू नदी का आपका 83 किलोमीटर बिहार में लंबाई है और उसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ग्रहण क्षेत्र आपका 2,995 किलोमीटर है वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। गंडक नदी का आपका 260 किलोमीटर लंबाई है बिहार में और इसका जो ग्रहण क्षेत्र है वो आपका 4,188 वर्ग किलोमीटर है, तो गंडक नदी का 260 किलोमीटर आपका लंबाई है और उसका जो है ग्रहण क्षेत्र आपका 4,188 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट आपका बूढ़ी गंडक, तो बूढ़ी गंडक का बिहार में लंबाई 320 किलोमीटर है, ठीक है, तो बूढ़ी गंडक का बिहार में लंबाई 320 किलोमीटर है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 9,601 वर्ग किलोमीटर है। बागमती नदी का बिहार में लंबाई 394 किलोमीटर है और इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है 6,500 वर्ग किलोमीटर है। कमला नदी का आपका 120 किलोमीटर लंबाई है बिहार में और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 4,488 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट आपका कोसी नदी का आपका 260 किलोमीटर आपका एरिया जो है लंबाई है और 11,410 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र एरिया कवर करता है। महानंदा नदी का आपका 376 किलोमीटर लंबाई है और 6,150 वर्ग किलोमीटर ग्रहण क्षेत्र है। कर्मनाशा नदी का नहीं बताया,
सोन नदी का 202 किलोमीटर लंबी है और 1580 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है ग्रहण करती है। अजय नदी का 202 किलोमीटर लंबाई है, पुनपुन नदी का 235 किलोमीटर लंबाई है और 7747 जो है वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ग्रहण करता है। ठीक है, तो हमने देखा आपका लंबाई, तो गंगा नदी की लंबाई बिहार में 445 किलोमीटर है, सरयू नदी का 83 किलोमीटर है, गंडक नदी का 260 किलोमीटर है, बूढ़ी गंडक का 320 किलोमीटर है, बागमती का 394 किलोमीटर है, कमला नदी का 120 किलोमीटर है, कोसी नदी का 260 किलोमीटर है, महानंदा नदी का 376 किलोमीटर है, सोन नदी का 202 किलोमीटर है, कुआजाय नदी का 202 किलोमीटर है और पुनपुन नदी का 235 किलोमीटर है। ठीक है, तो हमने पढ़ा आपका, एक साथ विभाजित करते हैं तो प्रमुख नदियां एवं उनके उद्गम स्थल, तो गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड से है, संगम मुहाना पर बंगाल की खाड़ी में, बिहार में नदी की लंबाई किलोमीटर में 445 किलोमीटर है, बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र गंगा की 15,165 वर्ग किलोमीटर है। सरयू नदी का आपका उद्गम स्थल मिलाम जो है नेपाल से, और इसका मुहाना जो है आपका गंगा जो है छपरा में गंगा से मिल जाती है और 83 किलोमीटर लंबाई है और 2,995 वर्ग किलोमीटर इसका जो है ग्रहण क्षेत्र है। गंडक नदी आपका मनक मोट और पुतांग नेपाल और तिब्बत से निकलती है और हाजीपुर गंगा में जाकर मिल जाती है, हाजीपुर के पास गंगा में मिल जाती है और 260 किलोमीटर लंबाई है और 4,188 वर्ग किलोमीटर इसका ग्रहण क्षेत्र है। बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल आपका सोमेश्वर की पहाड़ियां है और आपका जो है इसका जो मुहाना है मुंगेर के पास गंगा में मिल जाती है और इसका लंबाई है बूढ़ी गंडक का 320 किलोमीटर है और इसका ग्रहण क्षेत्र जो है आपका 9,601 वर्ग किलोमीटर है। बागमती नदी का आपका उद्गम स्थल महाभारत श्रेणी नेपाल में है और इसका जो है मुहाना आपका जो है कोसी में है। ठीक है, और 394 किलोमीटर लंबी है बिहार में ये और 6,500 वर्ग किलोमीटर यह इसका ग्रहण क्षेत्र बिहार में है। कमला नदी आपका महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। ठीक है, और गंगा जो है गाढ़ा गोला के पास गंगा में मिल जाती है और 120 किलोमीटर लंबी है और 4,488 किलोमीटर वर्ग इसका क्षेत्र है। ठीक है, ग्रहण क्षेत्र है। नेक्स्ट आपका कोसी नदी, ये आपका सप्त कोसी नेपाल से निकलती है और आपका कुर्सिला जगह पर गंगा में मिल जाती है और 260 किलोमीटर लंबी यहाँ पर बिहार में और 11,410 किलोमीटर इसका जो है आपका एरिया क्षेत्र कवर करती है। नेक्स्ट आपका महानंदा नदी, तो महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और कटिहार के पास गंगा में मिल जाती है, 376 जो आपका किलोमीटर लंबाई है और 6,150 वर्ग किलोमीटर इसका ग्रहण क्षेत्र है। कर्मनाशा नदी ये आपका विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और चौसा के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सोन नदी, तो आपका अमरकंटक मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से निकलता है। ठीक है, और आपका पट्टा में गंगा नदी से मिल जाती है और 202 किलोमीटर लंबी है और 1,580 किलोमीटर इसका ग्रहण क्षेत्र है। उत्तरी कोयल नदी का रांची के पठार झारखंड से निकलती है और सोन नदी में जाके मिल जाती है। कचिन कोयल नदी आपका छोटा नागपुर के पठार झारखंड से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। अजय नदी आपका बड़पाल जम्मू से निकलती है और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से मिल जाती है, 202 किलोमीटर लंबी है बिहार में ये। पुनपुन नदी चौराहा पहाड़ी पलामू झारखंड से निकलती है और फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है और 235 किलोमीटर लंबी है, 7,747 किलोमीटर ऐसा जो है वर्ग एरिया क्षेत्र है बिहार में। जैसा फल्गु नदी उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। किउल नदी आपका खरगाडिया गिरिडीह झारखंड से निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा आज का वीडियो, तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम आपका नया बॉक्स पढ़ेंगे। ठीक है, नदियों के तट पर बसे बिहार के प्रमुख शहर, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।